आइए देखते हैं बैतूल जिले की आज की प्रमुख खबरें। बैतूल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भीमपुर के कुंडबकाजन ग्राम में करेंगे ग्राम सभा को संबोधित। मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के अंतर्गत करीब 3 घंटे तक जनसेवा कार्यक्रम और ग्राम सभा में लेंगे भाग। बैतूल, विश्व एड्स दिवस के अवसर पर बैतूल पुलिस अधीक्षक सुश्री सिमाला प्रसाद के द्वारा रक्षित केंद्र पर लगभग 50 से अधिक पुलिस कर्मियों को लगाई गई रेड रिबन, एड्स जैसी खतरनाक बीमारी के संबंध में किया गया जागरूक। बैतूल, कल नर्सिंग के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने बैतूल के कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचकर किया प्रदर्शन। देरी से परीक्षा कराए जाने से स्टूडेंट्स में नाराजगी, अब तक नहीं हुए स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन। बैतूल, चिखलार गांव से पुलिस ने एक आरोपी को आबकारी एक्ट के अंतर्गत किया गिरफ्तार। चिखलार निवासी संतोष को कल मेडिकल के लिए लाया गया जिला चिकित्सालय। बैतूल, पाथाखेड़ा पुलिस ने अंबेडकर नगर से मारपीट के मामले में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपी सन्नी और रोशन ने अपने दोस्त सोनू की कर दी पिटाई। सोनू पहुंचा पुलिस थाने, शिकायत कराई दर्ज। बैतूल, ग्राम जावरा में आपसी रंजिश के चलते सुखदेव दवंडे नाम के युवक की गोलू ठाकरे ने कर दी पिटाई। 108 के माध्यम से सुखदेव नाम के युवक को बैतूल के जिला चिकित्सालय में किया गया भर्ती। बैतूल, जैताढाना बिशखान गांव का मामला। रात में खेत पर जाने से मना करने पर बेटे ने मां भागीरथी लोहार का तोड़ा हाथ। मां पहुंची शिकायत दर्ज करने। कल जिला चिकित्सालय में उक्त महिला का किया गया उपचार। मुल्ताई, अंबेडकर चौक पर भाजपा भवन में स्थित गल्ले की दुकान से करीब 2 लाख रुपए से भरा बैग उड़ा ले गए चोर। पूरे मामले को लेकर व्यापारी बंसी अग्रवाल ने मुल्ताई थाने पहुंचकर शिकायत कराई दर्ज। पुलिस द्वारा सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर अब पूरे मामले की जाएगी जांच। पुलिस के अनुसार शीघ्र ही पकड़ लिए जाएंगे चोर। मुल्ताई, कल नेहरू वार्ड के रहवासियों ने मुल्ताई एसडीएम राजनंदिनी शर्मा से की शिकायत। कहा, कॉलोनी में नहीं है कोई सुविधाएं, परेशान हो रहे हैं वार्डवासी। कॉलोनाइजर्स पर एफआईआर दर्ज करने के संबंध में की मांग। मुल्ताई नगर में अन्य कॉलोनियों के हाल भी है बेहाल। मुल्ताई, रिश्ते के एक चाचा ने भतीजी का किया अपहरण। अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले रिश्ते के चाचा को न्यायालय ने सुनाई 20 साल की सजा। विशेष लोक अभियोजन अधिकारी मालिनी देशराज ने दी जानकारी। बताया, न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल की सजा से किया है दंडित। वहीं 8,000 रुपए का जुर्माना करने की भी सुनाई है सजा। प्रभात पट्टन, तहसील सरपंच संघ का कल चुनाव हुआ संपन्न। आष्टा में आयोजित बैठक में हेमंत गुड्डू मानकर बने अध्यक्ष, वहीं पवन शिवरे बने सचिव। आमला, नगर पालिका परिषद आमला में विकास कार्यों को लेकर सामान्य सभा की बैठक हुई आयोजित। आमला सीएमओ नीरज श्रीवास्तव एवं नगर पालिका अध्यक्ष नितिन गाडरे रहे उपस्थित। घोड़ाडोंगरी, सानी पुलिस ने युवक की हत्या के मामले का किया खुलासा। अवैध संबंधों के चलते हुई थी युवक की हत्या। 4 महीने बाद खुला मर्डर का राज। बहन से बात करते देखा तो जंगल में ले जाकर कर दी हत्या। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए आरोपी संदीप पिता नत्तू बेठे निवासी जीराढाना को किया गिरफ्तार। घोड़ाडोंगरी, कल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घोड़ाडोंगरी में मनाया गया विश्व एड्स दिवस। बीएमओ डॉक्टर संजीव शर्मा ने इस दौरान दिलाई बचाव की शपथ।
शाहपुर बरजोरपुर गांव में पेसा एक्ट को लेकर ग्राम सभा का किया गया आयोजन। इस दौरान ग्रामीणों को पेसा एक्ट के संबंध में किया गया जागरूक। भैंसदेही, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आगमन से पहले प्रशासन की तैयारियां जोरों पर। कल प्रशासन ने ठेकेदार के माध्यम से कराया रोड की मरम्मत का कार्य। चिचोली ग्राम गवाड़ीढाना देवपुर की महिलाओं ने रोड बनाने की करी मांग। कहा, रोड नहीं होने के चलते स्कूल नहीं जाते हैं बच्चे। इस संबंध में चिचोली तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। आठनेर पांडुना में पंचायत की पेसा एक्ट कानून की समिति का किया गया गठन। बैठक में सभी ग्रामीण रहे मौजूद।